दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आ पहुंचा हूं यहां जलंधर लम्मा पिंड चौक है, उसके पास ही MM हॉस्पिटल, वहाँ पर राजू कुलचे छोले वाला। दोस्तों, अगर आपने आज तक कहीं भी छोले कुलचे खाया होगा तो कम से कम एक बार राजू के छोले कुलचे को ट्राई करो। तो स्वाद के साथ साथ हम करेंगे राजू से भी बातचीत, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। राजू भाई, आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? 25 सालों से काम कर रहे हैं। तो शुरू से यही है कि और कहीं भी पहले हजारे स्कूल में कंटिन्यू थे, हजारे स्कूल में, उसके बाद में आप पहले कई जगह लगाते थे, मतलब एक तो और भी आपके अड्डे हुए करते थे ना? गोपाल में भी थे, कुछ नहीं लगाते, कस्तूरी में हो गया, मक्खन हो गया, अजवैन होगी, कुलचे गर्म करके लाल करके बढ़िया करके देते हैं लोगों को, बहुत अच्छे। और ये छोले हो गया रेडी, प्लेट उधर ये आ गए छोले। टेस्टी बहुत होंगे, कई वाले पैसे भी नहीं होंगे, खा के भी नी जी। हाँ जी, दो तीन जने होने अं पहले खा लेने वाले, राजू पैसे है नहीं। इन्हें हंस के कहना कहना चल कोई नहीं, अगली बार होना तो फिर दे देने। राजू का प्यार है। हाँ जी, ये सारा ये बहुत वधिया आ, लोग हूँ जो भी शहर में आई दा अपने कई बार बच्चों भी खुलवा के लेके जाइए, वधिया आ जिदा। थैंक यू। वैसे भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चले तो प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, धनिया, सारा कुछ डाल देंगे। तो राजू का जो छोले और कुलचे का जो है सिस्टम, ये छोले आपको बनाते हुए दोबारा से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन होता है। कोई भी छुपा नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सामने आपके बना के दिखाते हैं। जो भी है इसमें टमाटर, आलू, छोले, नींबू और मसाले सब कुछ दिल खोल के हैं, इसमें कुछ भी कंजूसी नहीं है। और शायद इसी लिए इनका स्वाद जो है लोगों के सिर पर चढ़ के बोलता है। पहले राजू यहाँ पे अकेले काम किया करते थे, लेकिन काम को देख के थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, तो बच्चे भी साथ में ही हैं। इनका बेटा है, एक छोटा बेटा भी है, वो भी साथ में कभी कभी होता है यहाँ पे, लेकिन ये बड़े बेटे हैं। इनका नाम क्या है? तो गगन। गगन है, तो गगन भी साथ में हुआ करता है। दोस्तों, कुलचे छोले कहीं भी खा ले, लेकिन मेरा पूरा दावा है एक बार आप यहाँ खा लोगे तो फिर दोबारा आप कहीं और नहीं खा पाओगे। कि राजू छोले और कुलचे के साथ में सिर्फ स्वाद ही नहीं देता बल्कि प्यार भी बहुत है। पहले इसमें आलू और प्याज टमाटर गया, अब ये छोले जा रहा है इसमें। राजू साथ में बताते भी जाना क्या क्या है। हाँ, प्याज, आलू, टमाटर, चने, फिर उसके बाद में मिर्च मसाला, नमक, चटनी। इसमें कुछ सिगरेट तो नहीं है, मतलब ये सारा कुछ ऐसे ही है, मसाले वगैरह सारा कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल। अब उसके बाद में नींबू पड़ेगा इसमें,
क्या डालना है इसमें? नींबू। अच्छा नींबू, ये है असली काम। नींबू नींबू हालांकि राजू एक साथ में काफ़ी बना के रख सकते हैं, लेकिन राजू को भी है मेला लगाने का पूरा शौक है। एक एक ही पतीला बनाएंगे और एक एक पतीला ही बस देते जाएंगे ताकि लोगों को ताज़ा और बढ़िया मिलता रहे। इसमें इमली का पानी भी क्या? इमली। इमली, धनिया, पुदीना। हरी मिर्च भी है। ये तैयार हो गया आपका छोले। कुलचों में अच्छी तरह से मक्खन और कसूरी मेथी लगा के बढ़िया से स्टफ सेक कर फिर उसके बाद में सर्व किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इनका। हाँ चाचा,